तो मालूम हुआ हक जब देखा जाए तो ये तो हमारे बुज़ुर्गों की ये सुन्नत है कि उस पर रजू किया जाए। तो जिन लोगों ने इस मसला में ज़िद की हुई है हम उसके लिए दुआ भी करते हैं और उनसे इल्तिमास भी करते हैं, खुदारा अपनी इस बात से रजू करो। पहले यहाँ अल्लामा साहब को रजू के लिए कुछ हज़रात ने फरमाया तो मैं हाज़िर था, तो अब हक वाज़ी हो चुका है और अगर अब भी वजाहत नहीं तो मुनाज़रे में आना चाहिए ना, उलमा मुनाज़रे के लिए आएँ, गुफ्तगू करें और हक की इत्तेबा तो हर एक पर लाजिम है, तो अब उनको रजू करना चाहिए। रास्ते में भी हम यही कह रहे थे कि वो तो रजू का इधर कहते थे और अगर हक अब वाज़ी हो चुका है तो अब उनको रजू करना चाहिए। ज़िद तो इबलीस ने की है, हाँ ज़िद इबलीस का तरीका है, ज़िद अल्लाह ताला उससे बचाए। इस मसला में मैं वैसे मेरे पास मोबाइल नहीं है और ना ही मैं ये इस तरह का रखना चाहता हूँ क्योंकि ये मुताला में खलल हो जाता है। तो वैसे ये जो बहस है ना, ये मैं हर रोज़ अपने तालिबे इल्मों को अपने बच्चों के सुनता रहा, तो अल्लामा साहब के जो दो शागिर्द उलमाए किराम बल्कि तीन हजरात रोज़ाना मैं उनकी गुफ्तगू सुनता था, तो इन्होंने बड़े बड़े उम्र रसीदा हजरात को नथ डाले रखी है। तो हाँ इनकी यकीन जानिए मैं इनकी उम्र के लिए इनके इल्म के लिए बरकतें दुआएं निकलती थी उनसे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।